सीएम केजरीवाल ने आज अंकित मर्डर केस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अंकित को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने अंकित के परिजनों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि भगवान उसके परिवार को शक्ति दे। अंकित मर्डर केस में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन पर अंकित का गला काटकर हत्या करने में शामिल होने का आरोप है। वहीं अंकित की गर्लफ्रेंड को उसके चाचा चाची ने भी अपनाने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। गुरुवार को ख्याला में हुई इस वारदात की चौतरफा निंदा हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अंकित मर्डर केस पर मनोज तिवारी के बयान की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया कि तमाम सियासी मतभेदों के बावजूद आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी के उस बयान का स्वागत करती है, जिसमें उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह का समर्थन किया था। नोएडा के कथित एनकाउंटर केस में मुख्य आरोपी ट्रेनी दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 122 में एक दरोगा ने 2 युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोनिया विहार में 26.80 मिलियन लीटर वाले भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने विपक्षियों को विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर राजनीति करने वाले लोग देशद्रोही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलतराम कॉलेज में एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर उसे गलत ढंग से छूने की कोशिश करता था, साथ ही विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने की भी धमकी देता था। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लिनाडो इंडिया की खबर के बाद नियावली इलाके में युवकों को बुरी तरह पीटने वाले SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 21 जनवरी की रात नियावली इलाके के पेट्रोल पंप के पास कुछ युवक किसी का इंतजार कर रहे थे। इतने में वहां से गुजर रहे SHO और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। बवाना आग हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे में मिला चेक जमा कराने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पिछले महीने हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सीएम केजरीवाल ने 5-5 लाख रुपए के चेक दिए थे, लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं। 21 जनवरी को हुए उस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयों से सटी कॉलोनियों में दूषित पानी पीने से लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंदगी के चलते जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनता का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्षद और BJP मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आज नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संघर्ष की कहानी बताई। सानिया ने कहा कि मेरे शुरुआती दौर में टेनिस खेलने के लिए ऑटो से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज सोसाइटी में ही टेनिस कोर्ट उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को खेल से जोड़ना चाहिए,